जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था फ्री टिबेट को लेके। ऐसा एक ऑमलेट आपने नहीं खाया होगा कभी। मिस्टेकनली कुछ लोग सानिया मल्होत्रा समझ लिया। टू बी वेरी चीज़ी, जस्ट लाइक यू। बहुत ज्यादा थकावट हो रहा है। अब कितना टेस्ट करोगे? सर जहर है कि नहीं वो देख रहे ना सर। टूरिस्ट की जान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाइक अबाउची। तो सीरीज चल रही है हमारी दिल्ली टू पठानकोट, दंडलहौसी, दंडलहौसी से मैक्लोडगंज का। आज हमारा लास्ट डे है ट्रिप का। कल हम लोगों ने यहाँ से खाया था। आज सुबह का हम लोगों का प्लान यही है कि हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ करके उसके बाद हम लोग जाएंगे भागसू वाटरफॉल। आई थिंक बेसिकली वहाँ पर एक कैफ़े है, शिवा कैफ़े। द कैफ़े इसलिए फेमस है क्योंकि वो थोड़ा पीक में है और वहीं से त्रिउन ट्रैक स्टार्ट होता है। एंड उसके बाद आज शाम को 7:30 को हम लोगों का धर्मशाला से बस है टूवर्ड्स दिल्ली। तो पूरा का पूरा जो वीडियो होगा वो वहीं तक कवर होगा क्योंकि उसके बाद वही है, प्लेन रोड ही है। तो आई विल ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई कैन टुडे एंड डू लेट अस नो कि आप लोगों को पूरा सीरीज कैसा लगा। काफ़ी बढ़िया है। ये एक टी का शॉप है मेन चौक के जस्ट लेफ्ट साइड में, छोटा सा आपके एकदम से छोटा सा शॉप दिख रहा होगा वहाँ पर मेरे सीख उंगली के बराबर। वही शॉप से मैंने लेमन ग्रास टी लिए हैं, बाकी लोगों ने हनी जिंजर टी लिया है। बहुत बढ़िया है, हाईली रिकमेंडेड। और ये है पेटीज और ये टिबेटन ब्रेड जो आधा है हमने खा लिया है। ये नहीं खाता है, ये ज्यादा नहीं खा रहा था, चूजी है बहुत। उसको कदर है खाने का, उसने गरीबी देखी है, यही स्ट्रगल है, ये भी इसने भी स्ट्रगल किया है जिंदगी में, यही है क्लार्क साहब। गरीबी आ गई है। खतरों के खिलाड़ी अब व्लॉग में आ रही हैं। बताइए मैडम, प्लीज से समथिंग, डोंट डिस्टर्ब। चलो इसको रेस्ट करने देते हैं, हम आगे चलते हैं। किसी तो माझे नहीं के फिट कर नहीं सकते एकदम। बताओ आप कुछ बताएंगे। मॉनेस्ट्री जो कल शाम को आपको दिखाया, अभी सुबह आए हैं यहाँ पर। जो लोगों ने बेसिकली चाइना के इलीगल ऑक्यूपेशन के ऊपर आवाज़ उठाई थी उनके अगेंस्ट, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था फ्री टिबेट को लेके, उनके बारे में ही है। तो दे लॉस्ट देयर लाइव्स। अगर यहाँ पर आ रहे हो मैक्लोडगंज में तो ये मॉनेस्ट्री तो एक मस्ट विजिट है, यहाँ आपको आना ही चाहिए क्योंकि यहीं पर दलाई लामा का भी जो जहाँ पर रहते हैं वो जगह भी ऊपर ही था, तो यहाँ पर आपको आना ही चाहिए, एक बार आके तो विज़िट करना ही चाहिए। सो हाईली रिकमेंडेड है ये मॉनेस्ट्री। एंड ये बिल्ली को अभी बाय बाय करके हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो कल हम यहीं पर आए थे नामग्याल कैफ़े, लेकिन कल हाँ हिडन जेम ऑफ मैक्लोडगंज, और कल वेज था बोल के हम दौड़ दौड़ के भाग के चले गए, लेकिन आज हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पर क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर लग रहा था और हमें ऐसा लग रहा था कि हम मिस कर रहे हैं कुछ और हम मिस नहीं करना चाहते। यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के करेंसीज़ हैं, जो भी आए होंगे ट्रैवलर्स करेंसी यहाँ पर लगा के गए होंगे। तो आज देखते हैं क्या ऑर्डर कर सकते हैं।
काफी अच्छा एक्सेंट है आपका, कहाँ से सीखी आप? It's natural. Natural. Oh my God. To be very cheesy, so please do remember that. So just like you. ऑर्डर हो गए मशरूम चीज ऑमलेट जी लोग अच्छे एक्टिंग भी हो गए काफी ओवर एक्टिंग सबके पैसे कटेंगे 50 रुपए करके स्पिनच चीज ऑमलेट अभी आता है तो आपको दिखाते हैं ब्रेकफास्ट पहले ही आप ऑर्डर ले रहे थे आप खुद ही खा रहे हो सब टेस्ट करके देखते हैं ना कि टेस्ट अच्छा हुआ कि नहीं हुआ है ओ जहर है कि नहीं इसके अंदर एक और आ गया वाह 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 थैंक यू ब्रदर थैंक यू ठीक है भैया आप टेस्ट करके मतलब टेस्ट करके आप खत्म ही कर रहे हो क्या मतलब एक के बाद दो एक टेस्ट कर लिया ना अभी कितना टेस्ट करोगे सर जहर है कि नहीं वो देख रहे ना सर टूरिस्ट की जान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वाह वाह ओके तो टेस्ट करा देख रहे हो कैसे टूट टूट के खा रहे हैं सब आपके लिए तो एक असिस्टेंट रखना पड़ेगा अलग से कैमरा उठाने के लिए आईला इसका मुंह क्रेन ना खाली ऐसा ओमनी के आते हुए दिख रहा है अंकिता हाईली रिकमेंडेड प्लेस गाली दे रहे थे हां हाईली रिकमेंडेड गाली दे रहे थे गाली वापस दे दूंगा नामयांग कैफे नाम से है ये मैक्लोडगंज का जो मेन मार्केट है मेन मार्केट से नीचे की तरफ आते वक्त मॉनेस्ट्री के पास मिलेगा जो आपको मॉनेस्ट्री का रूट है मॉनेस्ट्री से पहले आपको ये जगह आएगा और एकदम से लेफ्ट साइड में दिखेगा मशरूम एग ऑमलेट ये था स्पिनच एग ऑमलेट बहुत ही टेस्टी है क्या युद्ध चल रहा है यहाँ पर एक एक ऑमलेट आ रहा है खत्म ये ऑमलेट जस्ट आया था 2 मिनट भी नहीं हुए इसको नहीं खाया कभी फिर से मंगाते हैं बस खाना पीना हो गया यहाँ पर और भाई साहब सिर्फ ऑमलेट ऑमलेट का हम लोगों ने 600-700 का बिल कर लिया है ये देखो ये प्लेस है नामग्याल कैफे पिज़्ज़ा प्लेस 1995 और ये मॉनेस्ट्री आपको बस थोड़ा सा ही आगे है उधर है मॉनेस्ट्री और हम लोग आपको आना है तो आप उधर से ही आओगे उधर से आके मॉनेस्ट्री का रोड उधर है और आपके लेफ्ट साइड में ये पड़ने वाला है नामग्याल कैफे हाईली रिकमेंडेड फॉर एग ऑमलेट्स ऐसा एग ऑमलेट आपने नहीं खाया होगा कभी भी अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर भागसों वाटरफॉल यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे की तरफ है बढ़िया बनाया है सारा जो वेस्टेज है वेस्ट से बना हुआ है नाइस थॉट लोकी देखते अच्छे हैं लोगों का भाई देखो देख जाए तो मुझे जाए पता है राष्ट्रपति जी तो अभी हम लोग जा रहे थे फॉल के तरफ एंड मैडम को मिस्टेकनली कुछ लोग सानिया मल्होत्रा समझ लिया और मस्त फोटो वोटो खींच रहे थे देन सच बाहर आया फिर समझ में आया कि अरे ये तो वो नहीं लेकिन कोई बात नहीं हम लोग उनसे भी हम लोगों ने चैनल का सब्सक्राइब करवा लिया उनसे भी सेलिब्रिटी जा रही है सानिया मल्होत्रा हम लोग कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर चल के हैं 1.5 किलोमीटर तो चल के आए ही हैं और जो लग रहा था भागसू वाटरफॉल वहाँ पर है बट एक्चुअली वो स्टार्टिंग पॉइंट है अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जस्ट ये एक्सपेक्टेड था कि इस टाइम में नहीं होगा तो मेन ट्रैकिंग जो शिवा कैफे का है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है
और फिर शिवा कैफे जाके एक्चुअल त्रिउंड वाला जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। डुप्लीकेट थैंक यू डुप्लीकेट, वी आर योर फेक फैंस। टुडे इज अ गुड डे टू चेंज द वर्ल्ड। देखो अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, चलना पसंद है थोड़ा, तो फिर तो आपका वर्कआउट हो जाएगा यहाँ पर। एंड फाइनली आप पहुँच जाओगे शिवा कैफे। बट व्यू यहाँ से अच्छा है, थोड़े वैसे टाइम में आओगे जब वाटरफॉल में थोड़ा पानी हो तो आपको अच्छा लगेगा। दिखा शिवा कैफे हमें 150 मीटर्स। ये देखो वाटरफॉल तो है लेकिन ऑब्वियसली अभी वाटर तो है नहीं, तो व्यू का कुछ है नहीं, सिर्फ पत्थर ही हैं। ऑब्वियसली पानी होगा तो अच्छा लगेगा। चलो शिवा कैफे चलना है तो शिवा कैफे चलते हैं। पानी रहता तो और अच्छा लगता, ज़्यादा पानी रहता तो, अभी कम है ही नहीं ऑलमोस्ट। अभी ऊपर के जाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ शिवा कैफे। चल 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 बहुत ज़्यादा थकावट हो रहा है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा। बट हम आ गए फाइनली, ज़्यादा और है नहीं। ये शिवा कैफे टॉप में, यहाँ पर This is the view. After 11 soda. Time लग गया क्या मैगी वैगी बनने में? बाद इसमें तो ठीक है। देखो काफ़ी देर हमने रिलैक्स कर लिया यहाँ पर, ऑलमोस्ट एक घंटा। यहाँ आओगे तो ऐसा ही जो वाइब दिखाया आपको वैसे ही वाइब मस्त मिलेगा, तो आप चिल कर सकते हो, यहाँ पड़े रह सकते हो ऐसे ही मेरी तरह। तो चलो अभी नीचे चलते हैं, नीचे जाके मिलते हैं जहाँ पर हम लोग खाना खाएंगे, वहाँ मिलते हैं आपसे। वही सेम जगह है जहाँ से जा रहे हैं, वही रूट है। चलते हैं और फिर नीचे जाके मिलते हैं आप लोगों से। कहाँ? जिमीज इटालियन किचन। वहाँ पर हम क्या खाएंगे वो नहीं पता अभी, वो हाँ जो भी खाएंगे वो दिखाएंगे। हम थोड़ी अकेले थोड़ी ना खाएंगे, आपको दिखाएंगे दिखा दिखा के खाएंगे। हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी अगर कभी आओ तो हम रिकमेंड कर पाए अगर अच्छी जगह हो तो। चलो सीधा कैफे में जाके मिलते हैं। बहुत बचते बचते आए थे कि शॉपिंग कहीं नहीं करना है, लेकिन एक दुकान में घुस गए और ये देखो जैकेट खरीद लिया मैंने। तो आप सोचो फिर अचानक कपड़े कैसे बदल गए, है ना? कपड़े इसलिए बदल गए क्योंकि जहाँ पर जो पसंद आया मैंने वो ख़रीद लिया, मैंने वो पहन लिया एंड वो पसंद आ गया, तो फिर मैं उसी को पहन के बस आगे निकल रहा हूँ। हाँ यहाँ बुला सकते हैं।
जिमीज इटालियन कैफे, यहाँ पर हम लोग कुछ पिज़्ज़ा भी खाएंगे अभी। एंड यहाँ के बाद सीधा धर्मशाला जाना है, वहीं से बस है रात को डेली आई थिंक 7:30 डेली के लिए। ये कौन सा पिज़्ज़ा मंगाया था हमने? पेरी पेरी एंड चिकन लज़ानिया। मैं और भी चीज़ें मंगाए हैं, ग्रिल चिकन मंगाया है, पर वो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी आने में, फटाफट दबाते हैं इसको। पिज़्ज़ा चीज़ करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ करके खाएंगे हम। पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा लग रहा है, डिलीशियस, ऑमलेट की जैसे मारपीट नहीं चाहिए इसमें। क्या था? चिकन ग्रिल्ड चिकन, सिसिलियन चिकन विद व्हाइट सॉस पास्ता एंड जैकेट पोटैटो। थैंक यू, थैंक यू। सुना आपने, हमने वही मंगाया है। टूट पड़ा और क्या, ऑलमोस्ट सारे जो भी चीज़ें हमने मंगाई हैं सारे अच्छे हैं। हालांकि लंच टाइम से हम लोग काफ़ी लेट हैं, बट खाना तो खा लिया। ये है इस जगह का नाम, जिमीज इटालियन किचन, जिमीज इटालियन किचन। और ये आपको बेसिकली मार्केट, मेन मार्केट जो है, मेन मार्केट से टूवर्ड्स वाटरफॉल है उस साइड में, जाने के साइड में आपको राइट साइड में पड़ेगा। सेम एक स्टार्टिंग पॉइंट आता है वहाँ पर, उसमें भी एक जिमीज किचन है ऊपर की तरफ, पर वो नहीं है, वो अलग है और ये अलग है। अब वहाँ पर क्या एग्जैक्टली मिलता है उसका पता नहीं मेरे को, बट हम लोग यहाँ पर खाए थे और ये काफ़ी अच्छा है जो आपको दिखाया अभी डिश, तो काफ़ी ज़्यादा सही था, हाईली रिकमेंडेड प्लेस। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धर्मशाला की तरफ एंड ऑटो से जा रहे हैं यहाँ पर मार्केट के थ्रू सीधे धर्मशाला से बस लेके घर दिल्ली। और क्या, तो अभी यही वाली बस है हमारी, इस बस में हम जा रहे हैं अभी दिल्ली। ये सीरीज़ जो हिमाचल सीरीज़ था वो आज ख़त्म हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आएंगे कोई और ट्रिप पे, कोई और व्लॉग करेंगे, और सीरीज़ निकालेंगे, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस दिखाने की कोशिश करेंगे। एंड आपको अगर पूरा सीरीज़ अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड सारे सीरीज़ को सपोर्ट दिखाना, सो दैट हम ऐसे टाइप के सीरीज़ और भी आगे लाते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब बोलो बाय बाय, बाय बाय व्लॉग में, जय माता दी। नेक्स्ट व्लॉग हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।